जितनी भी ये रेप केसेस होती हैं, क्या ये लड़कियों के कपड़ों की वजह से होती है? एक माँ ने अपने ही बेटे की डिग्री को फाड़ कर फेंक दिया। किस इंसान को चांद पर दफन किया गया है? एक पक्षी यानी एक बर्ड ऐसा है जो कई पक्षियों, कई जानवरों, यहाँ तक कि कार के हॉर्न की भी आवाज निकाल देती है। इस वीडियो में 10 जबरदस्त फैक्ट्स हैं। इस वीडियो में आप ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानोगे जिसके बाद आपका दिमाग। फैक्ट नंबर 1, मैक्सिको में टिलटेपक नाम का एक ऐसा गांव है जहां पे इंसान के साथ जानवर और वहां की पक्षियां भी अंधी होती हैं, और इसका कारण वहां पाई जाने वाली एक काली मक्खी है। जी हां, एक काली मक्खी जिसके काटने पर सारी बैक्टीरिया पूरे बॉडी में फैल जाती है जिससे आंखों की नसें काम करना बंद कर देती है। फैक्ट नंबर 2, अमेरिका में एक विजुअल आर्ट्स के प्रोफेसर ने एक ट्री ऑफ 40 नाम का एक पेड़ तैयार किया है। तो जरा उस ट्री ऑफ 40 पेड़ को देखिए। इस एक ही पेड़ पर 40 तरह के फल होते हैं। इस बेहतरीन और अनोखे पेड़ की कीमत करीब 19 लाख रुपए है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया के सबसे सुंदर पक्षियों में से एक पक्षी है लायर बर्ड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पक्षी में खास बात यह है कि वो नकल उतारने में बहुत ही माहिर होती है। ये पक्षी दूसरे पक्षियों के गाने, कुत्तों की आवाजें और यहाँ तक कि कार के हॉर्न की भी आवाज को बखूबी नकल कर लेती है। फैक्ट नंबर 4, पहले तो खून पसीना कर पढ़ाई करो, फिर डरते डरते एग्जाम में बैठो, एग्जाम पास करो, फिर डिग्री लाओ, और माँ एक झटके में डिग्री फाड़ कर फेंक देती है। अरे हमारी आपकी माँ नहीं, इसकी माँ, जरा देखिए फैक्ट को। भोपाल में एक माँ ने अपने ही बेटे की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री फाड़ कर फेंक दी जब वो अपने ही घर में फैन को सही करने में फेल हो गया। माँ ने बहुत अच्छा काम किया, देश को एक और फर्जी इंजीनियर देने से बचा दिया। माँ के लिए एक लाइक जरूर बनता है, लाइक करो। फैक्ट नंबर 5, इन कपड़ों को देख रहे हैं आप, ये कपड़े उन लड़कियों के हैं जिनके साथ रेप जैसा घिनौना और घटिया काम हुआ है, और इन कपड़ों को म्यूजियम में संभाल कर रखा गया है। इन्हें लोगों को इसलिए दिखाने के लिए म्यूजियम में रखा गया है ताकि वे जान सके कि लड़कियों के साथ रेप उनके कपड़ों की वजह से नहीं होते। जब दिमाग खाली होता है और सोचने को कुछ नहीं होता तो यही सब सोचा जाता है, और यही सब करने की कोशिश करते हैं ये लोग, और सोचते हैं कि बहुत हिम्मत वाला काम किया है मैंने। यार कुछ अच्छी बुक्स पढ़ लो, कुछ अच्छी मूवीज़ देख लो, कहीं बाहर चले जाओ घूमने टहलने, थोड़ा माइंड को फ्रेश रखो, और किसी अच्छे कामों में दिमाग को व्यस्त रखो, बिजी रखो। लेकिन नहीं, ये सब नहीं होने वाला है इनसे, हराम खोर। फैक्ट नंबर 6, थाईलैंड की एक गरीब महिला को 164 रुपए में खरीदे हुए सी फूड में एक ऑरेंज कलर की एक दुर्लभ मोती मिली है। इस 6 ग्राम के मोती की बाजार में कीमत 50 लाख रुपए से भी ज्यादा की बताई जा रही है। सच में देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, कितना ओह नो। और वह इस मोती को बेचकर अपनी बीमार माँ की कैंसर का इलाज कराएगी। फैक्ट नंबर 7, ताजमहल, इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी की याद में बनवाया था, है ना? पर इसके अलावा एक ताजमहल और बनाया गया है जो कि किसी ने अपनी पत्नी की याद में ही बनाया है। कहाँ है बताएं? बुलंदशहर में एक मजदूर ने भी अपनी पत्नी की याद में एक छोटा सा ताजमहल बनाया है। क्या बनाने की कोशिश की है, लेकिन पैसे न होने के कारण वह उसे पूरा नहीं कर सका। प्यार केवल शाहजहां ने ही नहीं किया था। फैक्ट नंबर 8, शहीद चंद्रशेखर आजाद ने अपने नाम के आखिर में आजाद को क्यों लगाया था? नहीं पता तो मैं बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक कसम खाई थी कि वह कभी भी ब्रिटिश पुलिस को जिंदा नहीं पकड़े जाएंगे, और उन्होंने इस प्रतिज्ञा को जीवन भर निभाया। क्या कुछ करना पड़ा था हमारे हीरोज को, देश को यूं ही आजादी नहीं मिली है साहब। फैक्ट नंबर 9, ये कोई फैक्ट नहीं है, एक छोटी सी सीख है जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है, तो जरा गौर से सुनिएगा। जंगल कट रहा था लेकिन सारे पेड़ इस कुल्हाड़ी को ही वोट दे रहे थे, क्योंकि पेड़ सोच रहे थे कि कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी उनके समाज की है। इस फैक्ट से आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट फैक्ट यानी फैक्ट नंबर 10, किस इंसान को चांद पर दफन किया गया था? यूजीन मर्ले सुमेकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो कि दूर से ही रहकर यानी पृथ्वी पर रहकर ही चंद्रमा का बहुत अच्छे से अध्ययन किया था, लेकिन वह अक्सर एक अंतरिक्ष यान में चढ़ने और चंद्रमा पर चलने का सपना देखते थे।
एक गंभीर बीमारी ने उनके अंतरिक्ष यात्री बनने की इस उम्मीद को कुचल दिया था और इस गंभीर बीमारी से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन साल 1997 में उनकी मौत के बाद नासा ने उनके सपने को कुछ हद तक उनके मरने के बाद पूरा करने का काम किया। उनकी अस्थियों की राख को चांद पर दफन किया गया। वह यह उपलब्धि पाने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र इंसान हैं। अगर ये वीडियो अच्छा और थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल स्टीव फैट को सब्सक्राइब करके और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि ये नॉलेज सिर्फ आप ही तक सीमित न रहे और लोग भी जाने। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।